डॉक्टर साहब गायब हो गए स्क्रीन से, वजह क्या है? स्क्रीन से मैं जो है 14 साल जब हम सब इससे किया तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ तब्दीली लाऊं, तब्दील करूं। इमरान खान वाली तब्दीली? हाँ। तो मैं एंटरटेनमेंट करना चाह रहा था। हाँ। तो कुछ अरसा गैप दिया। अच्छा। 4-5 साल। और उसके बाद अब मैं दोबारा फुल हूँ। तो उस गैप में क्या करते रहे? उस गैप में मैंने सीरियल्स किए, मैंने जो है रोमियो वेड जीर किया, डोली डार्लिंग किया, हम सब अजीब से हैं किया, शाहरुख की सालियाँ, बहुत ज़्यादा सीरियल्स, बहुत कॉमेडीज़ वो की। तो आपकी तब्दीली का तो वो हशर नहीं हुआ जो इमरान खान की तब्दीली का हुआ? नहीं, मैं शुक्र है बच गया। मेरी तब्दीली जो थी वो फ्रूटफुल रही, क्योंकि मैंने उस पर होमवर्क किया हुआ था। अच्छा। तो अगर मुझे भी जो है वो तब्दीली के बाद पता लगता कि मैंने करना क्या है तो फिर मेरा भी वही असर होता। एक ये कि जो हमारे टॉक शोज होते हैं और वो भी ड्रामा है अपनी जगह पे, जो हमारी सियासत है वो भी ड्रामा है, तो इन हालात में आप लोग ड्रामे क्यों लिखते और बनाते हैं? असल में जो है आपको पता है एक ज़माना ऐसा भी आया था कि जो एंटरटेनमेंट के जो ड्रामे थे उनकी रेटिंग कम थी और जो न्यूज़ टीवी पे जो ड्रामे चलते थे उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो वो फिर उनके ड्रामों की जगह जो है ना वो अब ड्रामे की बजाय कॉमेडी हो गया न्यूज़ चैनल्स। हाँ। तो लोगों को कुछ शायद आजकल रोना धोना वैसे भी ज़्यादा पसंद होता है तो एंटरटेनमेंट ज़्यादा ले रहा है। यानी अभी आप जब वापस आएंगे तो किस तरह के प्रोग्राम का इरादा है? मैं जो है दो टाइप के प्रोग्राम्स करना चाह रहा हूँ। एक तो जो लेट नाइट शो, जिस तरह अमेरिकन लेट नाइट शो होते हैं, जो उसी डे इवेंट होता है उस पर वो पॉलिटिकली कमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने जो है वो जितना भी काम किया तो मेरा काम जो होता है वो होता है कि कुछ मेरा काम किसी को हंसाना नहीं है, मुझे एक प्लेजेंट वे में कमेंट करना है पॉलिटिक्स पे, सोशल इश्यूज़ पे। अब हमारे यहाँ अब जो कॉमेडी है उसका मेन टारगेट जो होता है वो होता है हंसाना है, तो वो हंसाने के लिए बैठे हैं, वो जो है एग्जेजरेट कर देते हैं चीज़ों को, जो लुक लाइक्स को बनाते हैं उनकी भी ऐसी तैसी कर देते हैं, तो लिमिट से निकल जाते हैं। वैसे जो हशर हमारे करंट अफेयर के टॉक शोज़ का हुआ है, आप नहीं समझते कि उससे बदतर हशर वो कॉमेडी प्रोग्रामों का भी हो गया है? बिल्कुल हो गया। उसकी वजह ये हुई है कि उसमें ज़्यादा कसूर हमारा जो है हमारे चैनल मालकान का है। वो बजट जो है वो चाह रहे होते हैं कि एक ही बंदा उनको 4-5 प्रोग्राम दे दे। अब वो 4-5 प्रोग्राम स्क्रिप्टेड नहीं हो सकते। स्क्रिप्टेड जो है वो एक होगा या दो होगा। उसके लिए क्या किया जाता है, एक एंकर लेता है, वो 4-5 जो है वो जुगते मारने वाले बंदे बैठा लेता है, तो इस तरह 5 शो बन सकते हैं। अच्छा। आपने अंदर सोहेल वड़ाई साहब का अपने आर्टिकल में जिक्र किया था। हाँ हाँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोहेल वड़ाई साहब बन के ठीक है कि डॉक्टर साहब कभी इश्क तो किया होगा? हाय हाय हाय। इश्क जो है अगर आपको उसको बहुत महदूद कर गए, आपने किसी लड़की तक लाना है तो फिर इश्क नु चपेड़ ही मार रहे हो ना आप। इश्क इज़ बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप भी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। आप भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसलिए बात को दूसरी तरफ ले गए। सलीम साफ़ी और इश्क का सवाल, क्या ये खुला तजाद नहीं? लोग सोचते होंगे कि इस जिरगे में इतने इतने बड़े इशू तय हुए। हाँ। आज पहली दफ़ा मसला इश्क जो है वो आया और जिरगे में फैसला होगा। हाँ। कि इश्क जो है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और भी हमें ज़माने में मोहब्बत के सिवा